नमस्कार मैं श्रीमती पूर्णिमा तिवारी श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जिनवानी से बी फर्स्ट ईयर पेपर थ्री वैक्टर एंडस एंड जोमेट्री ले रही हूँ इसमें हमारा आज का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वैक्टर्स यदि हमारे पास में फोर वैक्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं वैक्टर ए बी सी डी दिए हुए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ऑफ दिस वैक्टर ऑफ द टाइप उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वैक्टर डी स्केलर उसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको वो उसका जो क्वांटिटीज मिलती है वो हमको स्केलर वाले फॉर्म में मिलती है दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फोर वैक्टर सिंस द डॉट एंड द क्रॉस कैन बी इंटरचेंज इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं तो उसके उसी प्रकार से हम लोग उसको यहाँ पे लिख रहे हैं वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी क्रॉस वैक्टर डी इक्वल टू वैक्टर एम डॉट वैक्टर सी क्रॉस वैक्टर डी तो यहाँ पे वैक्टर एम हम मैंने जो लिया है वो वैक्टर ए क्रॉस बी को मैंने यहाँ पे वैक्टर एम मान लिया है उसके साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वैक्टर सी क्रॉस वैक्टर डी के लिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं वैक्टर एम क्रॉस वैक्टर सी डॉट वैक्टर डी और वेक्टर एम जो है यहाँ पे फिर से मैंने उसकी वैल्यू को ओपन कर दिया है ब्रैकेट के अंदर तो इस वैल्यू को मैंने लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इंटू वैक्टर डी इसको यहाँ पे फिर से अरेंज करके लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए तीनों वैक्टर इन तीनों वैक्टर्स को मैंने अरेंज करके लिखा है तो उसको मैंने लिखा है स्कैलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अनुसार वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी इंटू वैक्टर बी माइनस वैक्टर बी डॉट सी इंटू वैक्टर ए डॉट वैक्टर डी डॉक्टर वैक्टर डी जो लास्ट में डॉट प्रोडक्ट के साथ में इसको अगेन अंदर में इसको हम लोग

ब्रैकेट में है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल टू डिटर्मिनेशन ऑफ ए डॉट सी नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ए डॉट डी नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेशन में बी डॉट सी और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा बी डॉट डी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स फोर वेक्टर्स का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं क्या मिलता है हमको लेट ए बी सी डी बी फोर वेक्टर्स दस प्रोडक्ट ऑफ द दिस वेक्टर ऑफ द टाइप्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज अ वेक्टर फोर वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं ए बी सी डी वाले फॉर्म में और यदि इनका क्रॉस वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो भी हमको उसके जो क्वांटिटीज है वो हमको वेक्टर वाले फॉर्म में मिलती है दस दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फोर वेक्टर्स टू एक्सप्रेस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लेट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर एम यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम लोग अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस एम एम वाले फॉर्म में मैंने सी क्रॉस जी डी को एम से रिप्लेस कर दिया और इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं थ्री वैक्टर्स का

वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को एन से हम लोग रिप्लेस कर दिए तो वेक्टर एन हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा सी वैक्टर सी क्रॉस वैक्टर डी वैक्टर एन डॉट वैक्टर डी इंटू वैक्टर सी माइनस वैक्टर एन डॉट वैक्टर सी इंटू वैक्टर डी इसको हम लोग जो आपके पास में दिया हुआ था फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में तीन वैक्टर्स दिए थे उसको ओपन करके लिखा है नेक्स्ट वाले स्टेप में वैक्टर एन की वैल्यू हम लोग फिर से पुट कर रहे हैं तो आप, आपको मिल जाएगा ये वैक्टर वाले फॉर्म में वैक्टर ए बी डी इंटू सी माइनस वैक्टर ए बी सी इंटू डी रिलेशन टूज इसको बोल रहे हैं फ्रॉम द रिलेशन वन एंड टू वी हैव रिलेशन वन एंड टू को हम लोग आ, आमने सामने रख रहे हैं एक साथ रख रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं उसकी वैल्यू क्या मिल रही है आमने सामने रख के इसको सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस के साथ में कैंसिल हो जा रही है कैंसिल होने पर जीरो मिल जा रहा है इसको हम लोग यहाँ पे रिलेशन थ्री बोल रहे हैं बाई राइटिंग वैक्टर आर इन प्लेस ऑफ वैक्टर डी एनी वैक्टर यहाँ पे जो वैक्टर डी दिया हुआ था उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया हम लोग वैक्टर आर से तो वैक्टर आर के टर्म्स में वैक्टर ए बी सी को इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं इक्वेशन फोर में जैसा की यहाँ पे आपको दिख रहा है तो रिलेशन फोर जो है इज वैलिड ओनली वैंड वैक्टर ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज बैंड ए बी सी आर नॉन को प्लानर यदि वैक्टर ए बी सी जो नॉट इक्ल टू जीरो दिए हुए अर्थात यहाँ पे आप हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि वैक्टर ए बी सी नॉन को प्लानर है तब जो रिलेशन फोर है उसके हमको कोई ना कोई वैल्यू मिलती है नेक्स्ट इसमें रेसिपिकल सिस्टम ऑफ वैक्टर इफ थ्री फैक्टर ए वैक्टर ए डैश बी डैश एंड वैक्टर सी डैश बी सच दैट वैक्टर ए डैश इक्वल टू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर सी डिडेड बाई वैक्टर ए बी सी इसी प्रकार से वेक्टर b' की जो वैल्यू है वे वेक्टर c, c क्रॉस वेक्टर a डिवाइडेड बाय abc एंड वेक्टर c' की वैल्यू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय वेक्टर abc मिलती है हमको वेयर वेक्टर abc आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं सो दैट वेक्टर abc नॉट इक्वल टू 0 होंगे देन द सेट ऑफ द वेक्टर वेक्टर a' b' c' इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द सेट ऑफ वेक्टर abc

प्लस वेक्टर आर इंटू बी डैश इंटू हो जाएगा ब्रैकेट में बाहर बी डैश हो जाएगा वैक्टर बी प्लस हो जाएगा वैक्टर आर डॉट सी डैश ब्रैकेट में हो जाएगा वैक्टर सी सिमिलरली फ्रॉम सिमेट्री सिमेट्री से हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं वैक्टर आर इक्वल टू वैक्टर आर डॉट वैक्टर ए डैश वैक्टर ए इंटू वैक्टर ए डैश प्लस वैक्टर आर डॉट बी वैक्टर इंटू हो जाएगा वैक्टर बी डैश प्लस वैक्टर आर इंटू वैक्टर सी इंटू वैक्टर सी डैश प्रॉपर्टी फोर द दैक्टर ए बी सी इज वैक्टर ए डैश इन सी डैश इज जो आपके पास वैक्टर दिए हुए हैं वो वैक्टर इंटू उसका जो वैक्टर का इनवर्स यदि वैक्टर ए बी सी इंटू उनका जो इन्वर्स है a dash, B dash, C dash के साथ में लिख रही हूँ मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म में तो वो मुझे वन मिलता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फाइव इसमें है सिस्टम ऑफ द वैक्टर ए बी सी एंड द उनके जो रेसिपोकल हैं वैक्टर ए डैश बी डैश सी डैश और रेसिपोकोल टू ईच अदर दैट इज यदि दोनों रेसिपोकल हैं एक दूसरे के तो हम लोग को रेसिपोकोल के फॉर्म में वैक्टर के जो फॉर्म्स हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं वैक्टर ए इक्वल टू मिलता है वैक्टर बी का डैश क्रॉस वैक्टर सी डैश डिवाइड बाई वैक्टर ए डैश बी डैश सी डैश वैक्टर बी आपको यहाँ मिल जाता है सी डैश क्रॉस वैक्टर ए डैश डिवाइड बाई ए वैक्टर ए डैश बी डैश सी डैश इसी प्रकार से वेक्टर सी आपको यहाँ मिल जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई वैक्टर ए डैश बी डैश एंड सी डैश आज की क्लास बस यहीं तक थैंक यू नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे वैक्टर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है थैंक यू